किस्मत के बिछड़ों को जब ऊपर वाला मिलाता है तो कुछ कमाल ही होता है। रिया अपने हमशक्ल आर्यन को देखकर क्या करेगी? क्या अपनी बुआ के ऑपरेशन के लिए बताना पड़ेगा अनिका को अपना राज? क्या पता लगा पाएंगे रिया और आर्यन अपने एक दूसरे जैसे दिखने की वजह? रिया और आर्यन को लगा जैसे उनके सामने किसी ने आईना रख दिया हो। अब तुम सब देखना नेक्स्ट गेम में मैं तुम्हारी कैसी हालत करता हूँ। सनी की आवाज सुनते ही रिया ने आर्यन का एक हाथ पकड़ा और उसे कॉरिडोर से होते हुए स्टेयरकेस पर ले गई। दोनों बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े सीढ़ियों पर बैठ गए। कम से कम 5 मिनट तक दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। होटल लॉबी में बज रहा म्यूजिक दोनों बच्चों के कानों पर पड़ रहा था, मगर दोनों की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, ये कैसे हो सकता है? रिया ने धीरे से आर्यन को पूछा, क्या तुम मेरे क्लोन हो? क्लोन? वो क्या होता है? साइंटिस्ट एक ह्यूमन की सारी क्वालिटीज जब कंप्यूटर में डालकर वैसा ही दूसरा ह्यूमन तैयार करते हैं तो वो दूसरा ह्यूमन पहले ह्यूमन का क्लोन होता है। तो क्या मैं तुम्हारा क्लोन हूँ? नहीं, तुम मेरे क्लोन नहीं हो सकते, क्योंकि माय क्वालिटी इज दैट आई एम वेरी स्मार्ट एंड सॉरी टू से बट यू आर नॉट। तब स्टेयरकेस पर किसी के आने की आवाज आई। रिया ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर टेरेस की ओर ले गई। अनिका हॉस्पिटल से टैक्सी में वापस आ रही थी। उसने अपनी पर्स से डॉक्टर अग्रवाल का कार्ड निकाला और उसके पर्सनल नंबर पर फोन लगाया। हेलो डॉक्टर, मैं अनिका गुलेरिया बोल रही हूँ। ज्योति बुआ के ऑपरेशन की तैयारियाँ कीजिए, कल डॉक्टर अमृता उन्हें ऑपरेट करने आ रही हैं। देखो अनिका, डॉक्टर अमृता सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि दुनिया की बेस्ट न्यूरोसर्जन में से एक हैं। उनकी अपॉइंटमेंट मिलना इतना आसान नहीं है। डोंट वरी, कुछ ही देर में आपको उनकी ओर से एक कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाएगा। ठीक है, फिर उनका मेल आते ही मैं सारी तैयारियां शुरू कर दूंगा। फोन काटते ही अनिका ने एक कंफर्मेशन मेल टाइप किया और डॉक्टर अमृता वाले अकाउंट से डॉक्टर अग्रवाल को भेज दिया। आर्यन और रिया टेरेस के वाटर टैंक के नीचे जाकर छुपे हुए थे, वहां से उन्हें कोई नहीं देख पाता। अभी टैंक के नीचे दोनों बैठे ही थे कि आर्यन ने रिया से पूछा, हम दोनों इस तरह छुप क्यों रहे हैं? गॉड ने हमें सुपर पावर दी है, हम ये किसी को बता देंगे तो पावर खत्म हो जाएगी। हमारे पास क्या सुपर पावर है? देखो, अगर हम किसी को ये ना बताएं कि हम दो हैं तो सोचो हम क्या नहीं कर सकते। हम एक साथ दो जगह पर प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर तुम वो करो जो मैं कहती हूँ तो बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगे? आर्यन रिया की बातों से इतना इम्प्रेस हो गया था कि उसने तुरंत रिया के हाथ में अपना हाथ दे दिया। रिया ने दूसरे हाथ से आर्यन को हाई फाई देकर कहा, वी आर अ टीम नाउ। तभी रिया को इस बात का एहसास हुआ कि वो अपने नए दोस्त से काफी वक्त से बातें कर रही थी, मगर उसे उसका नाम तक नहीं पता। रिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए आर्यन से कहा, हाय, आई एम रिया, तुम्हारा नाम क्या है? आई एम आर्यन, आर्यन मारवा। क्या तुम वही हो जिससे उस दिन मेरी इंटरकॉम पर बात हुई थी? फिर तुम पिज्जा खाने क्यों नहीं आए? मैं आ रहा था, मगर रास्ते में पहली बार मुझे मेरी मॉम मिली तो मैं उनके साथ पिज्जा खाने चला गया। क्या बात कर रहे हो, उस दिन मैं भी अपने डैड से पहली बार मिली। इसका मतलब उस दिन तुम्हारे पापा मुझे आर्यन समझ रहे थे और मेरी मम्मा तुम्हें रिया समझ रही थी। इसका मतलब डैड सही कहते थे, मेरी कोई मॉम नहीं है। आर्यन के मुंह से ये बात निकलते ही दोनों बच्चे शांत हो गए। क्या मैं आज रात रिया बनकर तुम्हारी मॉम के साथ रुक सकता हूँ? ठीक है, आज रात तुम रिया बनकर मम्मा के साथ रहो और मैं आर्यन बनकर तुम्हारे डैड के साथ रहूंगी। लेकिन ध्यान रहे, उन्हें इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, वरना हमारे सारे पावर्स चले जाएंगे। लाइफ केयर हॉस्पिटल, प्रीति बेंच पर बैठी थी। कामिनी ने प्रीति के कंधे पर हाथ रखा, वो उसके पास आकर बैठ गई। कामिनी अचानक बड़े ही मैच्योर अंदाज में प्रीति को समझाने लगी, हमें तो पहले ही पता था कि अनिका किसी की सगी नहीं। तुम और ज्योति बुआ इस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते, पर इसकी असलियत क्या थी ये सिर्फ हम ही जानते थे। कामिनी ने अपने हाथों से प्रीति के आंसू पोंछे और कहने लगी, तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं होने देंगे, मैंने खुद डॉक्टर अमृता को फोन किया है बुआ के ऑपरेशन के लिए, तुम फिक्र मत करो। प्रीति ने देखा तो डॉक्टर अग्रवाल के चेहरे पर मुस्कान थी। वो प्रीति के पास आए। प्रीति, डॉक्टर अमृता तुम्हारी मम्मी का ऑपरेशन करने के लिए मान गई हैं। प्रीति ये बात सुनकर बेहद खुश हो गई। कामिनी और मनीषा एक दूसरे को देखने लगे।
मौका देखते ही कामिनी ने कह दिया, थैंक गॉड, मेरे इतने मेल्स का फाइनली उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। मगर अभी अभी अनिका ने मुझे कॉल किया था कि सर आप भी किसकी बातों पर यकीन कर रहे हो? अरे वो कैसे डॉक्टर अमृता तक पहुंच सकती है? डॉक्टर अग्रवाल वापस जाने ही लगे थे तब कामिनी ने उनका रास्ता रोक कर उनसे कहा, सर इफ यू डोंट माइंड, क्या कल मैं डॉक्टर अमृता को इस ऑपरेशन में असिस्ट कर सकती हूँ? उन्हें जूनियर डॉक्टर्स की एक टीम की जरूरत होगी, मैं तुम्हारा नाम भी उसमें ऐड कर दूंगा। कामिनी भूल गई कि वो हॉस्पिटल में खड़ी थी। वो जोर जोर से सबको बताने लगी, होटल पैराडाइज। रिया और आर्यन ने अपने कपड़े आपस में बदल लिए। रिया आर्यन को फाइनल टिप्स देने लगी, मम्मा को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम रिया नहीं हो। कोई कंफ्यूजन हो तो टैबलेट पर गेम खेलने लगना, और अगर कोई भी गड़बड़ हो तो मुझे फोन कर लेना। मगर मैं तुम्हें फोन कैसे करूंगा, मेरे पास तो फोन नहीं है। ओफो, इतने बड़े हो गए हो फिर भी तुम्हारे पास फोन नहीं है। एनीवेज तुम मेरा फोन रखो। मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने देखा सनी ठीक उसके सामने खड़ा था। सनी के दोनों हाथ अपनी कमर पर थे। उसने रिया की आंखों में आंखें डालकर कहा, समझ गया, मैं सब समझ गया। क्या जान गया था सनी रिया और आर्यन का सच? क्या होगा जब कामिनी डॉक्टर अमृता से मिलेगी? क्या आ जाएगा अनिका का सच सबके सामने? क्या रिया और आर्यन होंगे अपने मकसद में कामयाब? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को तो देखा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।